रूस से आए तीन जोड़ों ने बुधवार को धर्मनगरी हरिद्वार में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह किया और एक दूसरे को जन्म जन्मांतर के लिए अपना जीवन साथी चुना। उन्होंने वैदिक मंत्रों के बीच में सात फेरे लिए, इसके बाद संतों के आशीर्वाद प्राप्त की। हरिद्वार के अखंड परम धाम में पहुंचे रूसी जोड़ों ने लेरिसा ने यूरा के साथ, एलसी ने रूशलम के साथ और विक्टोरिया ने मैटबी के साथ वैदिक परंपरा के अनुसार विवाह किया। जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए संत बराती बनकर पहुंचे। बता दें कि कुछ दिनों पहले रूस के 50 नागरिकों का दल आध्यात्मिक यात्रा के लिए हरिद्वार पहुंचा था। इन सभी ने यहां पर योग और ध्यान कर भारतीय संस्कृति को जाना। भारतीय संस्कृति से रूबरू होकर रूसी दल के तीन जोड़े इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी करने का फैसला कर लिया। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। शादी कर रहे ये महाराज श्री के लिए बरसों से आ रहे इस कैंप में, सेमिनार में, और पहले महाराज श्री राशि आ चुके, और मैं इन ग्रुपों की ट्रांसलेटर हूँ, मैं महाराज श्री की ट्रांसलेटर हूँ। तो पहले महाराज श्री रूस में देखा जो लोग शादी कर रहे हैं, तो बोल रहे थे इनको कि आशीर्वाद हमारे कंट्री में आशीर्वाद दे रहे हैं कि साथ साथ जन्म साथ रहेंगे। तो लोग हंसने लगे, बोल रहे कि ये हमें बधाई दे रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर तब ये बताने लगे कि इंडिया में, भारत में लोग साथ जन्म साथ साथ जन्म तक साथ में रहते हैं, यानी जो भारतीय तरीके से शादी करेगा वो हमेशा साथ रहेंगे। भारतीय ढंग से इस समय हम शादी नहीं करते, पर उन लोगों को और कुछ तो है ही नहीं, भारतीय ढंग से हो गए इसकी उनके प्रति उनके मन में श्रद्धा है, इसलिए इस समय कर रहे हैं। और इस समय हमारा साधना शिविर चल रहा था, योग ध्यान वेदांत, तो ये लोग सुन रहे हैं और ध्यान लगाते हैं।